हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो इन दिस वीडियो हम डिस्कशन करने वाले हैं सेट 3। इसका स्टूडेंट्स बोल रहे थे काफ़ी डिफिकल्ट पेपर बता रहे थे, तो इसका हम आंसर की बता रहे हैं आपको, डिटेल सॉल्यूशन बोर्ड पे करवाएंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन द 3D सीरीज एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसमें अलग अलग पावर्स दे रखी हैं, तो आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली होगी ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो फर्स्ट जब आप कैलकुलेट करोगे तो हमें 4 नेगेटिव है इसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी, ठीक है। तो इनका ऑर्डर्स देखोगे तो MnO4 Cr2O7 BO2, तो ऑप्शन सी आ जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन रहता है टाइप ऑफ आइसोमरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। तो आइसोमर हम देखोगे EN बाइडेंटेट लिगेंट है, तो कोक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है ये, उल्टीमेट्रिकल आइसोमर बनता है, आप ड्रॉ भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड स्टेट। और ये HBSC वाले सभी स्टूडेंट्स को देखना है क्योंकि उनके पेपर्स में सिमिलर कंसेप्ट रिपीट हो चुक सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड स्टेट इज एसोसिएटेड विद लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या स्टूडेंट्स, पेयरिंग हो रही है, दैट मीन्स D2SP3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटेन नाइट्राइल मे बी प्रीपेड बाई हीटिंग। तो ब्यूटाइल क्लोराइड को केसिन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ब्यूटेन नाइट्राइल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। तो जहाँ पे NO2 ग्रुप लगा है वो ज़्यादा एसिडिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, CH3 2I CHO CH3 HI। तो वैसे हम देखें एक साइड सेकेंडरी प्राइमरी, तो सेकेंडरी के साथ में I चला जाएगा, ठीक है, और दूसरे वाले में CH3 OH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, एक कंपाउंड X है जिसका फार्मूला ऑक्सीडेशन करने पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे सॉरी स्टूडेंट्स जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब O2 समझते ही आप समझ जाओगे एसिड है, तो इनमें से कौन सा कंपाउंड से जो एसिड बन सकता है, तो दैट मींस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि सेकेंड एल्कोहल में कीटोन बनेगा, ये इधर वाला हो नहीं सकता, तो सी ऑप्शन आ जाएगा, एल्कोहल से आप डायरेक्ट एसिड्स के फॉर्मेशन वाला कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ऑन मिक्सिंग 10 ml एसीटोन विद 50 ml क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का एसीटोन का मिक्स करते हो स्टूडेंट्स तो नेगेटिव डेविएशन होती है, तो टोटल वॉल्यूम घट जाती है, तो इसका मतलब 60 ml से लेस वॉल्यूम रहेगी, ऑप्शन फर्स्ट। सेल कॉन्स्टेंट की यूनिट क्या होती है, लेंथ बाई ए होती है, दैट मीन्स सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फॉर ए सर्टेन रिएक्शन किसे कहते हैं, आर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है, ए प्लॉट कर रखा है लॉग आर वर्सेस टाइम गिव्स ए स्ट्रेट लाइन विद द स्लोप द ऑर्डर। तो डायरेक्ट आपको यूनिट से पता चल रही है स्टूडेंट्स, सेकेंड इनवर्स है, तो इसका मतलब आपकी यूनिट क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर, इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट। 11 का क्वेश्चन है, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो टी हाफ पूछा है, तो टी हाफ स्टूडेंट्स होता है A0/2K, तो ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स का दे रखा है, मोल फ्रैक्शन पूछा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, तो वो डायरेक्टली सी के होता है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0225। अब देखिए एसरेशन रीजन में काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है, तो ये आपको अच्छे से देख लेने हैं। एसरेशन क्या है, एनिलीन इज ए वीकर बेस देन साइक्लोहेक्सल अमीन। तो ये बात ठीक है स्टूडेंट्स, एनिलीन में रेजोनेंस हो जाती है तो वीकर बेस रहता है, और एनिलीन एक रेजोनेंस टाइबलेज है, तो ये बात भी ठीक है, इसकी वजह से ये कम हो जाता है बेसिक, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा ए। ये क्वेश्चन तो प्रैक्टिस पेपर्स में भी हमने आपको बताया था, एसरेशन क्या है, विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी, विटामिन सी स्टोर नहीं हो सकते हमारी बॉडी में, और रीजन है स्टूडेंट विटामिन सी वाटर सोलेबल लिटिली एक्सट्रेट इन यूरिन, ये बात भी ठीक है, इसीलिए वो स्टोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, एमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइललाइट इन्वॉल्व रिएक्शन बिटवीन अल्काइललाइट एंड इथरिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, ठीक बात है ये। नेक्स्ट पूछा एमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइललाइट मेनली प्रोड्यूस सेकेंडरी अमीन, ये बात ठीक नहीं है स्टूडेंट्स, ए ठीक है और मतलब सी आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से एमोनोलाइसिस से आप सेकेंडरी नहीं प्राइमरी टर्शरी भी बना सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन, हमने देखा था एनिलीन फ्रीडलक्राफ्ट नहीं करती, लेविस एसिड के साथ साल्ट फॉर्मेशन हो जाती है, इसीलिए फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये बात तो गलत है क्योंकि एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सब्सटेंस अंडरगो SN1 फास्ट, तो SN1 स्टूडेंट्स किस में फास्ट हो जाएगी, रेजोनेंस स्टेबलाइज यहाँ पे आप करवा के देखोगे तो ये हो जाएगा सेकंड वाले ऑप्शन। मेजर प्रोडक्ट बताना है स्टूडेंट्स आपको, तो ये तो डायरेक्ट क्लोरीन की NaOH के साथ रिएक्शन करवाओगे आप, तो ONa हो जाएगा और HCl बाहर हो जाएगा, ONa का हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो H बन जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हमने बहुत बार बताया था आपको, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा आएगा देन लेंथेनाइड से, क्योंकि इसमें एक्टिनाइड और ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि इसमें 5F होते हैं, वो ऑर्बिटल बरीड होते हैं अंदर की तरफ, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा लगता है। वाई डू ट्रांज, ये हम देखो हाफ से ज़्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 50 नंबर का पेपर ऐसा है जो हमने 1 होवर की वीडियो ली थी, वहीं से सारे क्वेश्चन है।
वाई टू ट्रांजिशन मतलब हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों होती है अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, वो थ्री डी एलिमेंट की हैज लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ विच एलिमेंट, एलिमेंट में पूछा है तो थ्री डी में जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होंगे तो उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट्स द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इतना दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ डायल्यूट सॉल्यूशन एक मोल इलेक्ट्रॉन का हम निकाल लेंगे वैल्यू से, वैसे न्यूमेरिकल्स को हम सेपरेट बोर्ड पर करके सोल्व कर देंगे, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। द रेट ऑफ, ये भी आपका आरएनए सीक्वेंसिंग वो तो होती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालना है, लो के टू बाई के वन करते हो ई ए बाई 2.303 आर 1/T1 - T2 सेल्सियस को कैलवीन में भी कर लेना आपको। नेक्स्ट स्टूडेंट है ई एम एफ से ई इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स रिएक्शन है आपकी के बी आर बनेगा, साइनाइड बनेगा, हाइड्रोलाइसिस करोगे अमाइड वाला बनेगा, एन एच बी आर टू होफमैन रिएक्शन दे रखी है, ऐसे ही एन ओ टू का रिडक्शन करोगे तो एन एच टू बनेगा, एन एच टू का डाइजोटाइजेशन करोगे तो एनिलीन बनेगा, एनिलीन का फिर हाइड्रोलाइसिस करनी है, सिंपल रिएक्शन है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग शुगर क्या होती हैं, नॉन रिड्यूसिंग इनकी एग्जाम्पल्स हमने बताए थे आपको अच्छे से, मोनोस्क्राइड्स क्या है, ट्रैक्टोज है वो मोनोस्क्राइड्स है, ग्लैक्टोज भी, सुक्रोज और लैक्टोज दोनों ही डाइस्क्राइड्स हैं, एनिमल स्टार्स ग्लाइकोजन और एनिमल वो स्टोर करके रखते हैं उनको बोलते हैं, ऐसा क्यों है, और आइसोमर ग्लूकोज का ये तो सीधे ही क्वेश्चन है, बी आर टू वाटर का करते हो तो सी ओच बन जाता है ना ग्रुप्स का, तो डायरेक्ट केस स्टडी भी काफ़ी आसान दे रखी है। पेप्टाइड लिंकेज बताई थी आपको, एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होती हैं, सीधा फर्स्ट ऑर्डर से न्यूमेरिकल है, 3% ग्लूकोज सॉल्यूशन, ये तो आइसोटोनिक वाले से हो जाएगा स्टूडेंट्स, आइसोटोनिक में पाई वन इक्वल टू पाई टू मतलब कंसंट्रेशन सी वन इक्वल टू सी टू के वहाँ से आप निकाल लोगे। नेक्स्ट आपके ऑर्गेनिक हैं फिनोल को फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, गिव द इक्वेशन प्रिपरेशन ऑफ ऐसे कहते हैं फिनोल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, मतलब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कर देना स्टूडेंट अन्य के साथ में तो अन्य वाले हो जाएगा फिर हाइड्रोलाइसिस करके फिनोल, और सैलिसिलिक एल्डिहाइड फ्रॉम फिनोल, तो ये भी आपका सैलिसिलिक एल्डिहाइड रिमेंटीमेंट रिएक्शन में फिनोल की क्लोरोफॉर्म बेस के साथ रिएक्शन करते हो तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है, तो आप ये सिंपल रिएक्शन पिक्रिक एसिड के फिनोल करोगे तो पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल को ही बोलते हैं, तो इजीली कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी हमने बताया था क्लोरीन एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, बट क्लोरीन क्योंकि एक विड्रोइंग नेचर, क्योंकि क्लोरीन के दोनों लगते हैं प्लस आर और माइनस आई की वजह से विड्रोइंग है और प्लस आर देने की वजह से, रेसमिक मिक्सर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुआ है एलाइल क्लोराइड हाइड्रोलाइज मोर इजीली देन प्रोपाइल से, तो इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इतने ही पेपर्स हमारे पास अभी तक आए हैं, कल हम वो इसका प्रो सॉल्यूशन प्रोवाइड